आप लोगों को मेरी आखिरी अनशन का दिन। अभी कुछ ही देर में ये अनशन हम ख़त्म करने जा रहे हैं और यहाँ मेरे साथ बहुत से लद्दाख के हर हिस्से से, हर समाज से, हर मजहब से, हर हिस्सों से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो ये अनशन जो कि सब लोग बैठे हैं आज के दिन के लिए, आखिरी दिन के लिए, और मैं 5 दिन से, ये लद्दाख के संरक्षण के लिए है। और लद्दाख ही नहीं, यहाँ के ग्लेशियर्स और हिमालय के ग्लेशियर्स के लिए, जो कि हमारे संविधान में 6वें शेड्यूल में मिलता है, तो इसके लिए हम इस अनशन पर बैठे थे। बात यह है कि ये लद्दाख अकेले की बात नहीं है, हिमालय के ग्लेशियर्स पर, लद्दाख और पूरे हिमालय के लगभग 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जिसमें से आधा भारतीय उपमहाद्वीप में है, यानी कि पूरे उत्तर भारत की जनसंख्या सीधे या इनडायरेक्टली हिमालय के ग्लेशियर्स पर अपने पानी के लिए निर्भर करते हैं। उत्तर भारत तो पूरा ही, तो अगर हम इनका संरक्षण नहीं करें और आज और कल के उद्योग के नाम पर हम इन्हें पिघला दें, तो आने वाले दशकों में पानी की बहुत ही कमी होने वाली है, हमारे लिए तो सबसे पहले, मगर आप लोगों के लिए भी बहुत ही जल्द। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि मुश्किल ये है कि लोकतंत्र में हमारे नेता एक तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं, ट्रेंड इन द माइंड, सिर्फ 5 सालों का सोचने के लिए, और 5 साल में कैसे उद्योग लगाएं या आर्थिक विकास करें, वही सोच के हम काम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, जबकि प्रकृति तो दशकों और सैकड़ों के सालों में चलता है। तो इसलिए बहुत बार हम विकास से ज़्यादा विनाश कर बैठते हैं 5 साल के इस छोटे दृष्टि से, दूरदर्शिता की ज़रूरत है। तो इसलिए चाहे आज के उद्योग में थोड़ा कमी भी हो, तो हमारा पानी जो कि जीवन की एक रेखा है, वो तो ना ख़त्म हो जाए आज के फ़ायदे के लिए कल का नुकसान। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसमें जुड़ें, और मुझे बहुत खुशी है कि लद्दाख ही नहीं, पूरे भारत से, बल्कि बाहर से भी लोग जुड़े हैं। आज 30 जनवरी को, जो कि शहीद दिवस भी है, गांधी जी की पुण्यतिथि, तो बहुत जगहों से लोग अनशन कर रहे हैं। अब मेरा अनशन वैसे तो होने वाला था खारदुंगला पास पर, जो कि 18,000 फुट पर हैं, मगर स्थानीय यूटी प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि हमें लगता है कि ये रोक उन्होंने मेरी सुरक्षा या हिफाजत से ज़्यादा अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए क्यों किया, क्योंकि मेरी आवाज़ फिर ज़्यादा लोगों तक, और फिर लद्दाख में ये 3 साल से ये जो यूटी का प्रशासन रहा है वो काफ़ी नाकामयाब रहा है। लोग बहुत दुखी हैं हर तरफ, क्योंकि यहाँ नौकरियां 12,000 की उम्मीद दिलाई थी, मगर 250-300 ही हुए हैं, जिसमें से पुलिस में ज़्यादा हुए, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो दमन प्रदर्शनों को, जो लोगों की गुस्सा है उसको दबाने में ही काम आएगा। लोगों को और नौकरियां नहीं मिली है, जो ज़मीन पर हक था स्थानीय काउंसिल्स का, वो भी अब डाइल्यूट होता जा रहा है। तो हर तरह से विकास पहले से भी कम हुई है। जो यहाँ बजट आता है 6,000 करोड़ का, उसका 70%, मुझे बताया जाता है, कि वापस चला जाता है, लैप्स हो जाता है, और वैसे भी उसका 8% ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं हिल काउंसिल के ज़रिए, और हिल काउंसिल को 8% मिलता है, बाकी सारा एक प्रशासक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके हाथ में। अब वो कितना खर्चे हैं और उनको क्या पता है जनता के दुख दर्द क्या है। तो इसलिए अब तंग आकर, एक तो प्रबंधन से, मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट से, दूसरा लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, यहाँ कोई चुने हुए प्रतिनिधि रहे ही नहीं। पहले तो 4 MLAs और
दो MLCs तो होते थे कश्मीर में भी, अब वो जीरो हो गया है। कोई से नहीं है कि कैसे लद्दाख का विकास हो। एक आदमी जो कि लद्दाख को समझते भी नहीं है क्योंकि कहीं और से आते हैं, जब समझते हैं 2-3 साल में तो वो बाहर चले जाएंगे और कोई नया समझने को आएंगे। तो ऐसे में बहुत कुप्रबंधन होने वाला है। तो इसलिए अब लोग परेशान होकर फुल स्टेटहुड का मांग कर रहे हैं। वैसे भी यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था, कभी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर नहीं मांगा था। अब तो लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दोबारा बहाल करने की बात की गई तो लद्दाख को क्यों नहीं। लद्दाख में भी लोकतंत्र होनी चाहिए। एक तरह से लद्दाख तो जैसे गवर्नर्स रूल में चला जाता है कोई स्टेट 2-5 महीने के लिए, लद्दाख तो अब परमानेंट गवर्नर रूल में है। यहाँ किसी का कोई नहीं चलेगा, एक प्रशासक चलाएगा, ऐसा हालत हो चुका है। तो दूसरा मांग अब जनता का ये हो चुका है फुल स्टेटहुड। और वैसे भी 6th शेड्यूल तो पहले ही से ही था, अब इस हालात में थोड़ा और पेचीदा हो गया है। जिस तरह से प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट में कर रखा है, मेरे मूवमेंट पर पूरे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो ये थोड़ा और जटिल हो गया है। वरना एक सीधा सा मांग लेके मैं बैठा था कि संरक्षण हो 6th शेड्यूल में। तो ये है अभी तक का जो बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें लद्दाख के इस मुहिम में, आंदोलन में सबसे अग्रसर जुड़े हैं हमारे लद्दाख के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे लद्दाख का गांधी कहिए, लद्दाख के लोगों के लिए भगवान कहिए, थुप्सन सेवांग जी जो अभी मेरे साथ यहाँ पर हैं, और अन्य सभी धर्मों के नेता यहाँ पर हैं। कारगिल के लोग हैं, लेह के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं। और वैसे भी ये हर पॉलिटिकल पार्टी का मांग रहा है, इसमें से बीजेपी का तो सबसे जोर शोर पे ये मांग रहा है। उनके चुनावी मैनिफेस्टो में पहला बिंदु 6th शेड्यूल का संरक्षण रहा है। तो ये कोई पॉलिटिकल भी नहीं रह गया है, ये सभी लोगों का एक मांग रहा है और उनका एक तरह से हक भी है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो इतना सुलझा हुआ है, इवॉल्व्ड है बाकी देशों से, कि वो विविधता में जो एकता कहते हैं, यूनिसी इन डाइवर्सिटी, वो ना सिर्फ उसे टॉलरेट करते हैं बल्कि उसका प्रोत्साहन करते हैं, संरक्षण करते हैं। इसीलिए आर्टिकल 244 में 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल जैसे बने थे इस विविधता को बचाने के लिए, ताकि जो जनजातीय लोग हैं जिनकी जीवन शैली अलग है, जंगलों में हैं या पर्वतों में हैं, उनको संरक्षण दिया जाए। तो अब लद्दाख में 97% तक जनजातीय आबादी है, तो उनका तो हक बनता है, जबकि 50% पे ये दिया जाता है, मगर किसी तरह 3 साल से ये दिया नहीं गया है, इस पे टाल मटोल बहुत हुआ है। तो इस देरी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि इसमें हर एक को जुड़ना पड़ेगा, न सिर्फ हमारे जो नेता हैं वो केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि मैं 5 दिन के अनशन पर रहूंगा, और इससे शायद हमारे लद्दाख की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे और भारत की जनता के द्वारा पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि आप सब ने अपने अपने जगह से आवाज़ उठाई, और मुझे पूरा यकीन है कि यह आवाज़ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक पहुंची होगी, और शायद जल्द ही हमारे नेतागण बुलाए जाएंगे दिल्ली में, ताकि इस पर चर्चा हो और एक ठोस नतीजा कुन कुछ फैसला हो 6th शेड्यूल और ये स्टेटहुड अन्य मांगों पर। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने पहले से ही कहा था कि ये एक सांकेतिक अनशन है, तो अगला मेरा 10 दिन का होगा, उसके बाद 15 दिन का, 20 दिन का, ऐसे करते ही जाऊंगा जब तक इस पर एक फैसला हो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, आप लोगों ने जो समर्थन दिया
यूट्यूब के चैनल पर और अन्य सभी मीडिया हाउसेस का जिन्होंने इसे बहुत अच्छे से कवर, सारे लोग जुड़े हैं, कल और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उन सब के तरफ से भारत की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब समय हो गया है कि हम सब जो यहाँ अनशन पर बैठे हैं एक दिन के लिए और पूजा कर रहे थे भारत के अच्छे विकास के लिए और लद्दाख के संरक्षण के लिए, तो हम उनके साथ अब अनशन तोड़ेंगे और थुप्सन सेवांग जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता इसको अभी करने जा रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम क्या मांगते शिशु, हम क्या मांगते शिशु, हम अपना हक मांगते ना किसी से भी मांगते, हम अपना हक मांगते ना किसी से भी मांगते, पूरा करो पूरा करो। सोना मांगचुक कुंडुन तने निमास ने बता लद्दाख से तोंचा बुने चोक्सक्योर लाई का हड़ताल नंग धरना अजुक से दिरिंग अटांग समय के मा थतपेस पर आयनो खोंग इस कुजू आशकोन छिनमोजिक माले बा ते दिरिंग अटा ये अनशन बुंग अटा अचार तेनो इन नंग तेने खो दक्षा मोड़ा जतकन नंग जिन अटांग समय रेवा चोचे सिनो कि ग्योक्सपा नंग ग्योक्सपा अटा लद्दाख से तोंचा बुन डंडा चोचे से पिया डूब थुपचे से पिया ग्यार जू चोक देंगा था जुलो लेबिन माले बनाते ने तरु आंखों उपजल दच्चे से नोकते खों आ जब क्यों लगा था लड़ाक पर छंग में गता चिया दच्चे से नोक ते पिया ये मतलब लड़ाक पर छंग में सब चोकते तो ना मांसू आ इन तक पड़े थुपचे छे जिन तेरे तो यंपो यंपो थोड़े थोड़े लड़ाक से मा मी मंगपो गता पोलो ग्राम ने का जोन ते खों आ थुपचे छे जिस तेंगा था खों आ चस्कोर जादिन गता का गोचे गोठित जादिन जते गता जुवाई चंगवाला थुजे छे जुलि जु श्री सोलामचू जिंदाबाद, श्री सोलामचू जिंदाबाद, श्री सोलामचू जिंदाबाद, तुक्तन से जिंदाबाद, हां तुक्तन से जिंदाबाद, हां तुक्तन से जिंदाबाद, थुजे छे या जुले थुजे छे, या चंगवाला थुजे छे, लद्दाख ग्यालगुची।